चलिए एक और स्टूडेंट से मिलते हैं, नाम है लिपाक्षी यादव, 102 रैंक है, जो कि गुरुग्राम हरियाणा से हैं। सबसे पहले आपको लिपाक्षी इस रैंक के लिए, और लिपाक्षी को अभी NIT त्रिची अलॉट हुआ है, तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। और लिपाक्षी ऑनलाइन स्टूडेंट थी, और ऑनलाइन में रह के किस ढंग से पढ़ाई की, क्या आपका लाइफ ऑनलाइन का एक्सपीरियंस रहा? आप अपनी मदर के साथ आए, तो अभी हम मदर को भी बुलाएंगे, वो भी अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगी। पर पहले मैं चाहूंगा आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उनको कई बार कई अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, उनको कैसे फेस किया, इतनी अच्छी रैंक, इतना अच्छा कॉलेज जो आपको मिला है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हेलो, मेरा नाम लिपाक्षी यादव है और मैं बादशाहपुर से बिलोंग करती हूँ, जो कि हरियाणा में है। तो मैंने 2020 में NIMCET का एग्जाम दिया था, उस टाइम पे मेरी रैंक 630 समथिंग थी, तो मुझे NIT रायपुर अलॉट हुआ था उस टाइम पे। तो मैंने सर से पूछा, क्योंकि उस टाइम पे मैं सर का मैजिकल टेस्ट सीरीज फॉलो करती थी, तो मैंने सर से पूछा कि सर मेरे लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे रायपुर ले लेना चाहिए या फिर मतलब ड्रॉप के लिए कंसिडर करना चाहिए। तो सर ने मुझे बोला कि मुझे आप में पोटेंशियल दिखता है कि आप और बेटर डिजर्व करती है और आप और अच्छा कर सकती है, तो एक साल के ऊपर मतलब अपने जो आगे के फ्यूचर के जो इयर्स है उसको बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप बेटर बेस्ट चीज अचीव कर सकते हो तो फिर आपको इधर रुककर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो मैंने डिसाइड करा, पेरेंट्स को मनाया कि ड्रॉप कर लेती हूँ, तो फिर वो भी मान गए, उनको लगा कि जब बच्चों के लिए जो भी बेनिफिशियल है वो करना अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने ड्रॉप ले लिया एंड मैंने फिर इम्पिटस पे ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली, क्योंकि भोपाल आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। तो फिर मैंने जब यहाँ पर पढ़ाई किया तो मेरे को एक जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तुम सेल्फ स्टडी करते हो तो क्या होता है कि हम सारे लोग कुछ चीज़ें सुन रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं, पर हमें क्वेश्चन जो सॉल्विंग अप्रोच होती है पर्टिकुलरली वो हमें नहीं पता होता। तो इस चीज़ के लिए मेरे को ये पता था कि मेरी रैंक बेटर है, अगर मैं 630 कर सकती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं अगर आगे नेक्स्ट ईयर करती हूँ तो मैं इससे डेफिनेटली बेटर कर सकती हूँ, अगर मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी तो। तो फिर मैंने यहाँ पर इधर ज्वाइन किया और मैंने वीडियोज वगैरह देखी, तो उसके बाद थोड़े ही दिन बाद मुझे इस फोर्थ राउंड में कुरुक्षेत्र भी अलॉट हो गया। तो तब मैंने सोचा था कि अगर मेरे कुरुक्षेत्र अलॉट हो जाएगा तो मैं ले लूंगी, क्योंकि वो हरियाणा में ही है। बट देन मैंने सोचा कि मैंने किस चीज से ज्वाइन किया था कि ताकि मैं बेस्ट अचीव कर सकूं जो भी मेरी लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि ये चांस है। मैं एक बार देखना चाहती थी कि अगर मैं ड्रॉप करती हूँ तो क्या होगा, तो मेरे को लग रहा था भगवान का इशारा कि मैंने अब तो गुरुकुल भी ज्वाइन कर लिया तो एक बार ट्राई करने में कुछ हर्ज नहीं है। तो फिर मैंने ट्राई किया एंड वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और मतलब एक बार और चांस लिया, और उसकी वजह से आज मेरे को NIT त्रिची अलॉट हुआ। मैंने ये भी नहीं सोचा था, जो इम्पॉर्टेंट चीज मैटर करती है वो मैटर करता है कि आप अपना कितना बेस्ट दे रहे हैं, और आप अपना बेस्ट तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आप वो चीज कर सकते हैं। पहले तो मैंने अपना एम साधा कि मेरे को NIMCET का एग्जाम क्लियर करना है, क्रैक करना है। उसका वजह ये था क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे को बेस्ट जगह से बेस्ट नॉलेज मिले, मैं एक अच्छा क्राउड चाहती थी, क्योंकि जब आपका क्राउड अच्छा होता है तब आप सबसे ज्यादा अच्छा सीख पाते। अगर आपके आसपास के लोग कुछ कुछ चीजें नई नई सीख रहे हैं तो आपका भी मन करेगा कि आप कुछ अच्छा सीखें एंड आप अपने आपका बेस्ट वर्जन बन पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं NIMCET का एग्जाम दूंगी। फिर जब एक बार एम ले लिया तो मैंने माना कि हाँ ये पॉसिबल है। जब आप उस चीज को मान सकते हो कि पॉसिबल है तब आप उसके लिए पूरी जी जान लगा दो, जो भी जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, हार्डवर्क कर लो, पर जिस दिन एग्जाम देकर निकलो उस दिन मन में ये नहीं होना चाहिए कि काश थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो बेटर होता। जिस दिन एग्जाम देकर आ रहे हो उस दिन पूरे कॉन्फिडेंस से आना है, ऐसा लगना चाहिए कि बेस्ट दिन है, जितना हार्डवर्क करना है उससे पहले उतना हार्डवर्क कर लो। अभी मेरी फ्रेंड चारू के साथ भी मैंने एनालिसिस की थी, चारू और सूरजवान, तो हम तीनों ने जूम मीटिंग का ग्रुप बनाया था। ये हमने इसलिए किया था क्योंकि कहीं ना कहीं जब अकेले एनालिसिस करते हैं ऑनलाइन में एक टाइप से कंसिस्टेंसी बनानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए हमने एक टाइम टेबल सेट कर लिया था कि 7 to 10 या 7 to 11 तक हम एनालिसिस करेंगे। उससे क्या हो गया था कि हम बंद गए थे एंड हम एनालिसिस अच्छे से कर पा रहे थे एक एक पेपर की। सबसे बेस्ट जो तरीका होता है पढ़ने का वो होता है कि किसी चीज को पढ़ा दो, अगर आप किसी चीज को पढ़ा दोगे तो आप उस चीज को कभी भूलते नहीं हो। तो हमने एक दूसरे की कमियों को जाना और फिर उसको निखारने की कोशिश की, हमने एक दूसरे को इम्प्रूव करने की कोशिश की ताकि हम अपना बेस्ट दे सके। तो फिर हमने यही सब कुछ करा और मैं
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखे, डिटरमिंड रहे, छोड़े नहीं, कंसिस्टेंट रहना है। और उसके लिए दो तीन चीजें जो मैं ट्राई करती थी वो ये करती थी कि सुबह सुबह मॉर्निंग में वॉक लेती थी और रोज अपने आप को रिमाइंड कराती थी कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। क्योंकि पहले दिन तो आप कुछ दिन आप में जोश रहता है कि 10-15 दिन की हाँ मैंने आज स्टार्ट कर दिया, मैं तो 10 घंटे पढ़ूंगा और मैं पूरी जी जान लगा दूंगा, ये तो ये करना जरूरी था। 10 मिनट की मॉर्निंग वॉक में ये समझाती हूँ कि मैंने क्यों किया ये सब कुछ। अच्छा क्राउड मिलेगा, एनआईटी है तो बहुत ही अच्छा स्टेटस है, तुम्हें बहुत अच्छे टीचर्स मिलेंगे, बेस्ट मेंटर मिलेंगे जो तुम्हें गाइड करने वाले हैं। प्लेसमेंट्स के लिए बहुत सारी कंपनीज, मतलब जो ड्रीम कंपनीज होती है वो तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। एंड मतलब 3 साल कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा बेस्ट जगह से। तो फिर मैंने इसलिए ये सोचा, मैं अपने आपको रोज रिमाइंड कराती थी कि इसलिए मैं कर रही हूँ, वो डिजायर नहीं खत्म होने देना है, पूरी मेहनत करनी है। एंड तक अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं एंड अपने आप से सच्चा रहते हैं कि हाँ मैं अपनी पूरी मेहनत करके दिखाऊंगा और मैं करूंगा, बेस्ट दूंगा, जो होगा बेस्ट दूंगा, तो फिर सब कुछ मतलब अच्छा पॉसिबल अच्छा ही होना है। भगवान में कॉन्फिडेंस रखना है और मतलब बस बेस्ट करो अपना। थैंक यू सो मच। देखिए, अभी लिपाक्षी ने जो बोला आपने ध्यान से सुना होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है सेल्फ मोटिवेशन। वैसे मैं रेगुलर क्लास में मोटिवेट करता हूँ, पर मोटिवेट करने के साथ ये भी बोलता हूँ कि मेरे मोटिवेशन का असर हो सकता है 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, पर अगर इंटरनल आ गया तो वो लाइफ टाइम रहता है और वो बहुत जरूरी होता है। कई लोग कुछ मूवी देखते हैं मोटिवेशनल, 2-4 दिन का जोश रहता है, उसके बाद फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर जो इंसान ये सोच लेता है कि मुझे अंदर से क्या मोटिवेशन रखना, जैसे इसके पास एनआईटी अगरतला था, कुरुक्षेत्र मिला, नो डाउट कुरुक्षेत्र अच्छा था, पर इसने स्टेप ले ली थी 15 दिन बाद ये डिसाइड हो गया था। पर सोचिए, एक स्टेप लेने के बाद बैक स्टेप नहीं की और आज उसका आपके सामने देखिए रिजल्ट है कि सीधा एनआईटी त्रिची गई। तो मैं आप सबको यही बोलूंगा कि लाइफ में जब कंप्रोमाइज की बारी आए ना, तो सोच लेना कि ये कंप्रोमाइज आपके अगले 50 साल के लाइफ को बनाने वाले हैं। इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो, ड्रॉप लेना है नहीं लेना है ये डिसीजन हमेशा मैं बोलता हूँ हर स्टूडेंट का खुद का होना चाहिए, ना माँ बाप का ना टीचर का। पर ये भी याद रखना चाहिए, एक पेज पे लिखो कि अगर आप ये करते हो तो अगले 50 साल में कहाँ पहुंच सकते हो, और अगर आप एक स्टेप लेते हो कंप्रोमाइज नहीं करते तो कहाँ जा सकते हो। मैं एक और चीज बोलूंगा आपको कि आप जैसे आप ऑनलाइन पढ़ते थे और आप लिपाक्षी के साथ मदर भी आई हुई है, तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट इम्पीटस गुरुकुल के जुड़े हुए हैं पढ़ते हैं, तो कई बार ऑनलाइन में क्या क्या चैलेंजेस होते होंगे वो मदर ने देखे होंगे, क्योंकि ये तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं पर क्योंकि साउंड बंद होना चाहिए रूम का, कहीं कोई डिस्टर्ब ना करे एकदम, तो मैं चाहूंगा कि उनका भी, मैं क्योंकि वो है यहाँ पर हमारे बीच में और भोपाल आई हुई है, तो मैं चाहूंगा उनका भी एक्सपीरियंस आप लोग जरूर सुने। तो आपने अभी जैसे देखा लिपाक्षी ने बोला, तो मैं ये जानना चाहूंगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और अलग अलग तरह के उनके चैलेंजेस आते हैं, तो इसको आपने जो पूरे साल भर पढ़ाई करते देखा, अच्छा एक तो ड्रॉप लिया था, तो अक्सर स्पेशली गर्ल्स के साथ होता है कई बार रिलेटिव्स या कई लोग बोलते हैं क्यों ड्रॉप ले रहे हो, और जिनको कॉलेज मिला उनके पास तो और अननेसेसरी कई लोग ये बोलते हैं कि क्या करना है, तो उसमें आपका क्या सपोर्ट रहा, और जब ये पढ़ाई करती थी क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करना आसान नहीं है, तो उसमें आपका क्या सपोर्ट रहा, मैं चाहूंगा आप जरूर बताएं जिससे कि जो पेरेंट्स या जो बच्चे सुनते हैं उन्हें पता चले कि क्या क्या चीजें हैं जिसको ध्यान रखना है। सर पहले तो आपको भी मुबारकबाद, थैंक यू। आज जो लिपाक्षी यहाँ पे है और मैं यहाँ पे हूँ उसमें आपका पूरा पूरा सहयोग और हाथ है। ऑनलाइन क्लास का मेन दिक्कत लगा लो चाहिए, अब जो आ गया है कोरोना ने ये हमें सिखा दिया है कि ऑनलाइन क्लास भी होती है, तो उसके लिए पेरेंट्स को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, सच्चाई है ये। सहन कैसा कि बच्चा हर टाइम अपने लैपटॉप के सामने बैठा रहता है 8-10 घंटे जो उन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ है। एक तो हम बोल नहीं सकते, पेरेंट्स कुछ नहीं बोल सकते, एक इनका कोई खाने का लंच ब्रेकफास्ट डिनर क्या इनका टाइम है कुछ हमें नहीं पता होता, ये पढ़ भी रहे या नहीं भी पढ़ रहे ये भी हमें नहीं पता होता। पर जैसे कि मेरी बेटी है, एक वो पेरेंट्स तो सबके ही चिंता करते हैं पर जिसके खासकर लड़कियां होती है उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको थोड़ी ज्यादा चिंता होती है, अपनी बेटियों का ध्यान रखना पड़ता है। पर जैसे इसने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, मैं हर पेरेंट्स को कहना चाहूंगी जैसे इसने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया और आज जो इसका टारगेट था इसने अचीव किया है, तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों का ना पूरा साथ देना चाहिए, खासकर लड़कियों का, क्योंकि
घर के काम तो हम भी करते आए हैं, हमारे पीछे जो हमारी मदर्स थी वो भी करके करती आई हैं, और नई जनरेशन है अछूती तो वो भी नहीं रहेगी। पर अगर इनके अपने सपने हैं, अगर इनके विश्वास है अपने अंदर कि हाँ हमने कुछ करना है, तो पेरेंट्स को उनका सहयोग जरूर देगा। और सर देखिए काफी अच्छी बात बोली आपने जो आपने बोला, और एक तो आप हरियाणा से हैं, वहां के बच्चे स्पोर्ट्स में तो कमाल कर ही रहे हैं, एजुकेशन में भी कमाल कर रहे हैं, और जब ऐसी जगह से गर्ल्स निकलती हैं, सोचिए वो जैसे दंगल मूवी जब देखिए, अब क्या होता है कि अगर अवेयरनेस बढ़ती है तो हर एक को फायदा होता है। तो बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बच्चा करना चाहे उसको पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, पर बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो उस सपोर्ट का मिसयूज ना हो। जैसे आपने बोला कि लैपटॉप पे पढ़ रही है, पर क्या पढ़ रही है आपको नहीं पता। अब बच्चे के हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जैसे आज ऑनलाइन एजुकेशन इतनी बढ़ गई है तो कई पेरेंट्स के अलग अलग फोन भी आते हैं कि सर बच्चा पढ़ भी रहा साथ में गेम भी खेल रहा है, तो ये बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपने इसको सब सुविधाएं दी, पर बच्चे को जब सुविधाएं मिले तो उसका कभी मिसयूज ना करें, हर बच्चे को मैं यही बोलूंगा, और साथ में ये बोलूंगा कि अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को हमेशा उन पे खरा उतरने की कोशिश करो, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, बस करना आपको है, इसके लिए पीछे नहीं हटना। दीपाक्षी आप भी कुछ कहना चाहते हो ना, तो आप भी बोलिए। मैं कुछ बातें और ऐड करना चाहूंगी जो मैं पहले हड़बड़ी में भूल गई और मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है बतानी। इंसान को मेहनत जरूर करनी होती है लाइफ में, एंड मुझे ये लग रहा था कि कभी ना कभी तो मेहनत करनी होगी, अगर अगर अभी अभी मेहनत करने से चूक जाओगे तो बाद में बल्कि और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये एक साल मिल रहा है कि मैं अपना मतलब अपने आप का बेस्ट वर्जन बन सकती हूँ, तो इसको क्यों ना मैं पूरी तरह से यूज करूं, ताकि मैं जो भी बेस्ट है लाइफ में उसको अचीव कर पाऊं। तो मतलब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेहनत तो करनी है, मेहनत करने से नहीं घबराना है, ठीक है। किसी ना किसी इंसान को कभी ना कभी हार्डवर्क जरूर करना है, तो फिर उसको मैंने अभी किया तो फिर अभी मेरे को उस चीज का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। और ये पिछले साल एक बच्चे ने इंटरव्यू में कहा था कि तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है ना, तो उन्होंने कंपेयर किया था कि शरद सर को मान लो कि वो श्री कृष्ण है और तुम अर्जुन हो, कि वो तुम्हें गाइडेंस दे रहे, वो तुम्हें बता रहे कि तुम्हें क्या क्या करना है, तुम उसको विश्वास करो और तुम उसको मानो। शरद सर ने बोला था कि जितना तुम्हें पेपर में आता है उसको अच्छे से करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो, हड़बड़ी मत मचाओ, और मतलब क्वेश्चंस को करेक्ट करो, एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दो। 2021 का पेपर 2021 का पेपर होने वाला है, उसको किसी भी दूसरे साल के पेपर से कंपेयर मत करो और अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास करो। तो ये सब कुछ मैंने इसको ग्रैब किया और उस चीज को किया। और पिछली बार जब मैंने ड्रॉप लिया था तो मुझे इस बात पर सौरभ सर की लाइन याद आ रही है। सौरभ सर कहते हैं कि जो भी तुम डिसीजन लेते हो वो करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं होता, वो तुम होते हो जो तुम अपने डिसीजन को करेक्ट या इनकरेक्ट प्रूफ करते हो। अगर आज मैंने क्लियर कर लिया अपना एग्जाम तो सारे रिलेटिव्स खुश है, सारी टीचर्स खुश है, पर बाई चांस अगर एग्जाम क्लियर नहीं होता तो ताना खाने वाले भी हम ही थे। तो तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें फूल चाहिए कांटे चाहिए, तो फिर तुम्हें जो तुम अपने डिसीजन को करेक्ट प्रूफ कर सकते हो। 11, 12 में मेरे पेरेंट्स नहीं थे रेडी कि मेरे को दूर भेज सके, पर अभी जैसे उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और मैंने भी अपने आप को, अगर तुम अपने पेरेंट्स को बताओगे तो पेरेंट्स हमारे लिए बेस्ट ही चाहते हैं, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं बोलूंगी अपनी लाइफ में जो चाहते हो ना उसको जरूर करना और बस बेस्ट बनो। थैंक यू सो मच सर। देखिये लिपाक्षी ने कितनी अच्छी बात बोली, मेरा स्ट्रांग बिलीव ये है कि लाइफ में कभी ना कभी मेहनत करनी होती, कब करना ये आप डिसाइड कर लो। अगर लाइफ के पहले 20 साल आपने मेहनत की और 20 साल में 15 साल तो करना ही नहीं होती, 15 से 20 22 साल तक की मेहनत कर ली तो इंटायर लाइफ अच्छी हो जाएगी, और नहीं तो फिर बची हुई इंटायर लाइफ बहुत मेहनत करनी होती। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि एक आर्किटेक्ट और मजदूर में क्या फर्क होता है आप जानते हो। आर्किटेक्ट ने समय पर मेहनत की इसलिए वो ड्राइंग बनाता है और मजदूर उसको बिल्डिंग को बनाता है, और मजदूर हमेशा मजदूरी करेगा पर आर्किटेक्ट हमेशा उसके एंजॉय करेगा। तो आपको आपकी जिंदगी का खुद का आर्किटेक्ट बनना है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो भी करते हो उस डिसीजन को जस्टिफाई करना, सही या गलत कोई भी चीज नहीं होती। आज मान लीजिए अगर रैंक नहीं आती तो हर कोई सबसे पहले ये बोलता कि पिछले साल कुरुक्षेत्र मिला था, हमने तो कहा था कि ले लो पर तुमने नहीं लिया। अच्छा आज रैंक आ गई तो वो लोग भी ये बोलेंगे कि नहीं नहीं हमें भरोसा था तुम पे, तुम डिजर्व करती थी। यानी किसी इंसान का स्टेटमेंट आपकी सक्सेस और फेलियर पे डिपेंड करता है। अब आप कैसा स्टेटमेंट सुनना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो लिपाक्षी आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई, अब आप ऐसे ही एनआईटी त्रिची में भी परफॉर्म करो, अभी बहुत आगे जाना लाइफ में, और आप हरियाणा से हो, वहाँ की गर्ल्स बहुत प्रोग्रेस कर रही हैं हर जगह स्पोर्ट्स में भी और बाकी जगह भी, ऐसी और अपनी जगह से बच्चों को निकालो, अपने स्कूल और कॉलेज में जब भी प्रेजेंटेशन का मौका मिले तो उनको बोलिए समय रहते हुए इस चीज को ध्यान रखें, पढ़ाई करें, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।